चंद्रयान 3 वर्सेस लूना 25। चंद्रयान 3 से पहले चांद पर उतरेगा लूना 25। तस्वीरों में देखिए दोनों के बीच कितनी होगी दूरी। चंद्रयान 3 के बाद रूस ने अपना मून स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर दिया है। इस मिशन का नाम है लूना 25। चंद्रयान 3 के करीब एक महीने बाद मिशन लूना 25 लॉन्च किया गया और ये पहले चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा। रूस का मिशन लूना 25 इसी महीने 21 अगस्त को चांद की सतह को छू सकता है, जबकि भारत का चंद्रयान मिशन 3 इसके 2 दिन बाद 23 अगस्त चांद पर पहुंच सकता है। चांद पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग की लोकेशन 69.63 दक्षिण 32.32 पूर्व है। वहीं रूसी मिशन की लोकेशन 69.5 दक्षिण 43.5 पूर्व है। चंद्रयान 3 और लूना 25 की दूरी ज्यादा नहीं होगी। भारत और रूस दोनों के ही मून स्पेसक्राफ्ट चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे। शनमुगा सुब्रमण्यन ने बताया है कि चांद पर चंद्रयान 3 और लूना 25 के बीच की दूरी 118 किलोमीटर होगी। शनमुगा सुब्रमण्यन वही शख्स हैं जिन्होंने चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के मलबे का सही पता लगाया था। मिशन लूना 25 की तुलना में चंद्रयान 3 लंबा रास्ते से सफर कर रहा है। इसका एक कारण ये है कि रूसी रॉकेट ज्यादा बड़ा और ताकतवर है, भारत का रॉकेट छोटा और कम खर्चीला है। चंद्रयान 3 का रॉकेट इतना वेग वेलोसिटी नहीं दे सकता है कि ज्यादा तेजी से चांद की ओर जा सके। दोनों मून स्पेसक्राफ्ट के लैंडिंग का समय लगभग एक ही है, लेकिन दोनों ने अलग अलग जगह पर उतरने की योजना बनाई है। रूसी एजेंसी ने कहा है कि दोनों के बीच कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दोनों ही मिशन के पास रोवर और लैंडर है। चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिनों तक ही चांद पर काम करेगा, जबकि लूना 25 चांद पर एक साल तक रिसर्च करता रहेगा। ये चांद की मिट्टी के नमूने लेने और उनका विश्लेषण करेगा। दोस्तों, ये थी चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ जानकारी जो हमने इंटरनेट और सोशल मीडिया के एकत्रित की है। यदि आपको बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।